ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल सूर्यकुंड धाम में ब्रह्म मुहूर्त आरती सेवादारों ने तिरंगा कलर से सजाया मंदिर। ब्रह्म मुहूर्त की आरती में हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़। 15 अगस्त पर किया गया कार्यक्रम। मंडला जिले की ग्राम पंचायत सकवाल में स्थित ऐतिहासिक सूर्यकुंड धाम के हनुमान लला के मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त आरती सेवादारों को द्वारा तिरंगा के कलर से पूरे मंदिर को सजाया गया, जिसे देखने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में ही हजारों की संख्या में लोग हनुमान लला के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े। बता दें कि मंडला जिले में सकवाल ग्राम में स्थित सूर्यकुंड हनुमान लला के मंदिर में प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को विशेष पूजन अर्चन एवं भंडारे का आयोजन किया जाता है। कि इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर में विराजमान हनुमान लला जो तीन रूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसको लेकर प्रतिदिन लोगों की संख्या यहाँ बढ़ते जा रही है। जय श्री राम, जय हनुमान। 1955 में बाबा भारती जी आए, उस समय से आरती 3:45 में उनकी शुरुआत हुई है। जब से आज भी यह आरती उसी प्रकार चल रही है। और अभी क्या है, मोबाइल के जरिए बाइबल बहुत माने प्रचार प्रसार हो गया है, इसलिए शहर के 2 साल से यहाँ अधिक से अधिक भक्तगण आते हैं। अब ब्रह्म मुहूर्त का जो है कि भारती बाबा जी का कहना है कि 4:45 आरती कर दो, हनुमान जी को अयोध्या ले आना है, इसलिए 4:45 आरती 3:45 में कर देते। आज निरंतर हनुमान जी का चोला जिस प्रकार चढ़ता है शनिवार मंगलवार को, उसी प्रकार से चोला चढ़ाया गया और प्रसादी वितरण हुई और भारत माता की जो ध्वजा है उसके हिसाब से उसके रूप में हनुमान जी को सजाया गया। तो मुहूर्त में चोला बदला जाता है शनिवार मंगलवार को और अर्जी भी लगाई जाती है उसमें, और जो माई दाई है उनकी ओली भी भरी जाती है, इस प्रकार से उनकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। तो लोग बाग अधिक से अधिक संख्या में आके अपनी अपनी अर्जी लगाते हैं और हनुमान जी से विनय करते हैं। इस तरह क्या जय श्री राम, जय श्री हनुमान। मेरा नाम है राहुल तिवारी, मैं पिछले 1 साल से ब्रह्म मुहूर्त आरती सेवादार में जुड़ा हुआ हूँ और 1 साल से निरंतर दर पर दिन प्रतिदिन हम देखते जा रहे हैं कि लोगों की संख्या यहाँ पे बढ़ते जा रही है। और हम लोगों ने यहाँ पे जोड़ने का सिर्फ एक कारण है कि एक समय ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो समय एक ऐसा समय होता है कि उस समय हमको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, कोई कॉल या कुछ भी ऐसा नहीं होते हैं, ना हमको किसी प्रकार की ऑफिशियल या किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ होती है, ना कोई वो डिस्टर्बेंस नहीं होता, सबसे पहली चीज। और हम यहाँ पे जुड़ते हैं और एक सुकून और एक शांति का जो अनुभव है ब्रह्म मुहूर्त का, वो कहीं नहीं है, वो यही है। और अभी हम लोगों ने कुछ दिनों पहले प्रारंभ किया है कि हम भारतीय वेशभूषा को यहाँ पे धीरे धीरे अपना रहे हैं कि जो हम चोला चढ़ा रहे हैं बब्बा जी का, वो चोला हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भारतीय प्रधान परंपराओं के जैसे कि धोती कुर्ता और महिलाओं को भी और हम लोग लड़कों को भी सभी को धोती कुर्ता के लिए हम लोगों ने बोला हुआ है, और इस चीज को हम लोग धीरे धीरे आगे ला रहे हैं भारतीय पोशाक को, कि जो भी मंदिर गृह प्रवेश मंदिर में जो प्रवेश करे और चोला चढ़ाएगा वो सभी भारतीय वेशभूषा में होंगे, जैसे कि धोती कुर्ता। और ये चीजें हमने जो प्रारंभ किया है इसमें हमें बहुत से जो नई पीढ़ी के लड़के हैं, युवाओं ने सबने सप्योर्ट किया है और बढ़ चढ़कर लोग दिन प्रतिदिन का भाग ले रहे हैं। सुबह सबसे पहले हम 3:45 पे आरती होती है, उसके पहले हम बब्बा जी का चोला चढ़ाते हैं, उनको फूलों मालाओं के द्वारा सजाया जाता है, उसके बाद आरती, फिर उसके बाद राम स्तुति की जाती है, उसके बाद राम स्तुति के बाद हनुमान चालीसा किया जाता है और चालीसा के बाद महाप्रसादी की वितरण होती है, जिनमें हर दिन बदल बदल के प्रसाद होता है, कभी खिचड़ा होता है, कभी खीर होती है। और लोग देखते जा रहे हैं, हम लोग खुद देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन भीड़, शहर के लोग बहुत ज्यादा इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है कि कम जो युवा पीढ़ी है सबसे ज्यादा वो बढ़ चढ़कर भाग ले रही है, जिसके लिए हम उनको बहुत ज्यादा मतलब शुक्रिया अदा करेंगे कि शहर के लोग और गांव के लोग जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं।
स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमने भी आज कोशिश की है एक छोटी सी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बब्बा जी को एक छवि दी है तिरंगे की। तो बस इसी के साथ जय श्री राम सभी को, हनुमान जी सभी पर कृपा बनाए। जय श्री राम।